स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्यूशन चैप्टर में आता है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक करेक्शन फैक्टर भी है। तो अब वेंट ऑफ फैक्टर क्यों निकालते हैं और कब निकालते हैं? वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने एसिटिक एसिड लिया और उसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल और आयन डिसॉल्व्ड इन इट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। जैसे मैंने कहा 1 मोलर ग्लूकोज और 1 मोलर NaCl, 1 मोलर NaCl की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोलर ग्लूकोज से ज्यादा होगी क्योंकि 1 मोलर NaCl में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। NaCl डिसोसिएट हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेंट ऑफ फैक्टर आई तब आया जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने लगा। हमने NaCl के 100 मॉलिक्यूल डाले लेकिन वो वाटर में जाके 100 की जगह 200 हो गए। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। लेकिन अब तक हम फॉर्मूला क्या लगाते आए थे? ये फॉर्मूले लगाते आए थे। फॉर्मूला ये है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स बी। लेकिन अब आ गया आई। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन एसोसिएशन की बात पहले नहीं हुई थी, अब बात हो रही है डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन की। डिसोसिएशन में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। आई वन से ज्यादा आएगा, आई वन से ज्यादा आएगा तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। ये वन से ज्यादा आएगा तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये भी बढ़ जाएगा। वहीं एसोसिएशन के केस में क्या होगा? जैसे मैंने कहा एसिटिक एसिड वाटर में डाला और कहा कि एसोसिएशन हो रहा है। मान लीजिए मैंने 100 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड लिए, ये एसिटिक एसिड है, इसके 100 मॉलिक्यूल लिए और 100 मॉलिक्यूल ने आपस में डायमर बना लिया, मतलब कितने हो गए? 50 हो गए। तो एसिटिक एसिड ने डायमर बना लिया। मैं क्या मान के चल रहा हूं? मैंने 100 मॉलिक्यूल डाले थे लेकिन बचे कितने? 50। तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई, आई की वैल्यू 1 से कम हो गई। तो इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करने और पता कैसे करना है कि आई निकालना है। अगर क्वेश्चन में दिया जाए इलेक्ट्रोलाइट, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए इलेक्ट्रोलाइट या फिर ऐसा कोई आयन दे दिया जाए CaCl2 Na2SO4, कोई भी आयन, अगर ऐसा कोई आयन दे दिया जाए या फिर क्वेश्चन में बोल दिया जाए एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, अगर ये वर्ड बोल दिया जाए या फिर अल्फा बोल दिया जाए, तो ऐसे केस में हमें क्या निकालना है? हमें आई निकालना है। इन सभी केसेस में हमें आई निकालना है। एक बार आपके पास आई आ गया या एक बार आपके पास आई आ जाएगा तो आप यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पुट करके जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पूछा गया है वो आप निकाल लोगे। जैसे अगर आपको अल्फा दिया है, अल्फा यहां पुट करके आप आई निकाल लोगे। एन होता है नंबर ऑफ आयन, एन इज नंबर ऑफ आयन। जैसे NaCl के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। Na2SO4 के लिए क्या हो जाएगी? 3। K3FeCN6 इसके लिए क्या हो जाएगी? 4। तो यहां पर नंबर ऑफ आयन की वैल्यू 4 हो जाएगी। वहीं पर अगर एसोसिएशन के टाइम उसने बोला डाइमर बन रहा है, डायमर बन रहा है, मतलब कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अगर उन्होंने बोला ट्राइमर बन रहा है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 3। ये एसोसिएशन है, दो मॉलिक्यूल जुड़कर डायमर बना लिया उन्होंने, ये एसोसिएशन है। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, आई की वैल्यू 1 से कम हो गई। तो ये जो है वेंट ऑफ फैक्टर, इसको करेक्शन फैक्टर भी कहा जाता है। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा और आपको न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे करना है? तो देखो, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता तो हम कभी वेंट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं। एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें कम हो रहे हैं, इसमें बढ़ रहे हैं, इसलिए आई आया। आई क्या बता रहा है? आई ये बता रहा है कि उसमें कितना करेक्शन हमें करना है।
तो आई निकालने के दो फॉर्मूले याद कर लो एसोसिएशन के लिए, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई और 1 माइनस 1 अपॉन एन। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या सॉल्ट के लिए अल्फा होता है 100%, दैट इज इक्वल टू 1। किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 होता है। अब NaCl के केस में देखो I इज इक्वल टू N हो जाएगा। NaCl के केस में अगर अल्फा इक्वल टू 1 रख दिया तो I इक्वल टू N हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल वही हो जाएंगे। तो जनरली वो जैसे उसने बोला CaSO4 वो I नहीं देगा, उसने बोला Na2SO4 वो I नहीं देगा, I हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि Na2SO4 सॉल्ट है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, मतलब अल्फा 1 होगा उस केस में, और n इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, तो i इक्वल टू 3 हो जाएगा। n इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 3। तो अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, अगर ऐसा कुछ बोला है इलेक्ट्रोलाइट है, एसोसिएशन है, डिसोसिएशन है, इलेक्ट्रोलाइट दिया है, तो वहां से अगर आपको अल्फा दिया है तो आप अल्फा पुट करके i निकाल लो और i को इस फॉर्मूले में पुट कर लो। अब फिर वो यहां पर क्या पूछेगा, जनरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकें। जैसे यहां पर ये m है मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज Wb अपॉन mb पर kg ऑफ सॉल्वेंट, तो Wa अपॉन 1000। तो हमें क्या निकालना है, mb। वैसे हर फॉर्मूले में क्या निकालना है, mb, mb इज मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ही निकालने के काम आती है, मेनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के काम आती है। तो ये रहा आपका वेंट हॉफ फैक्टर, करेक्शन फैक्टर। नेक्स्ट टाइम पर हम इस पे न्यूमेरिकल करना सीखेंगे।